इंदौर में कांग्रेसियों द्वारा पार्षद उम्मीदवारों के कुरान की कसम खिलाने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारे में घमासान मच गया। जहां एक और मुस्लिम समाज के रहनुमा अपने नाराज बताए जा रहे हैं, वहीं विजयी पार्टी भी इसकी आलोचना कर रही है। क्या राजनीति में धर्म का सहारा लेना ठीक है? कहते हैं सियासत में कस्में वादे नहीं चलते, लेकिन छोड़ा भी नहीं जा सकता। दरअसल चंदन नगर में कांग्रेस जलसा था और उसमें कांग्रेस के पार्षद के उम्मीदवारों को शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कुरान की कसम खिलवाई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जहां एक और मुस्लिम इलाकों में लोगों से नाराजगी जताई, वहीं मजहबी रहनुमा भी इससे काफी नाराज नजर आ रहे हैं। साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। कुरैशी जी और सलीम शेख जी, मैं बोलूंगा तो आपको रिपीट करना, मैं नाम बोलो अपना। सलीम सूरी, इमामुद्दीन तिगाला, शकील अमजद खान, मुबारक मंसूरी। शपथ लेता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की नीति में विश्वास करता हूँ और कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, सही बात है, जिसको भी टिकट देगी पांचों से जिसको टिकट मिलेगी, ठीक है, पांचों में से ईमानदारी से काम करूंगा, भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा, धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद जय हिंद। इंदौर शहर कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष जी, हमारे इंदौर जिले के अध्यक्ष भाई मतलब ये विधायक भाई जीतू पटवारी जी, विशाल पटेल जी, संजय भाई शुक्ला। सत्य है, ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाएगी कुरान की कसम को लेकर। केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उस वीडियो को ऑडिट कर ये वायरल किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आने वाले समय में मैं इसकी जांच की भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर इसकी जांच की भी मांग करूंगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुरान की कसम खिलाई जा रही है, चंदन नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, चंदन नगर क्षेत्र का, क्या कहना चाहिए? किस बारे में दिलाई जा रही है कसम, किस बात के लिए दिलाई जा रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कसम किस बात के लिए दिलाई जा रही है? पार्षद चुनाव की तैयारी। मेरा मानना है कि सियासत में मज़हब को दूर रखना चाहिए, क्योंकि भारत एक में डेमोक्रेसी के तहत हर आदमी को अपने अधिकार हैं, जो सियासी तौर से जिसको चाहे चुने, लेकिन इस डेमोक्रेसी में कम से कम मज़हब को तो दूर रखें। मज़हब बहुत पाक होता है, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जैसे सियासत करना है आप सियासत करें, पर मज़हब को बिल्कुल दूर रखें उससे, मेरा ऐसा बोलना है। नहीं भाई, गलत है ना सर, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मज़हब को क्यों बीच में डालते हैं सियासत में? क्या आप कहीं पे कैसी कसम दिला रहे हैं, कहीं कैसी कसम दिला रहे हैं? अरे भाई, आप अपने तौर से शपथ दिलाइए जिसको दिलाना हो, लेकिन धर्म आधारित शपथ क्यों दिलवाते हैं आप कि ये सब ये फला ऐसा ही होगा, फला धर्म ग्रंथ को लेकर आप उसको करवा रहे हैं, तो बिल्कुल पसंद नहीं, कतई तौर से नहीं होना चाहिए। आप ये शपथ दिला दीजिए कि सब हम सियासत ईमानदारी से करेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, वो समझ में आता है, पर इसमें मज़हब क्यों बीच में डाल रहे हैं? ऐसे नेता जो इस तरह की शपथ दिलाते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? नहीं, हम तो बोल रहे हैं गलत बात नहीं करना चाहिए ऐसी बात। चंदन नगर क्षेत्र में जाकर इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी ने और महापौर के जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने अघोषित रूप से तय करे हुए श्री संजय शुक्ला जी ने मंच के ऊपर मुसलमान नेताओं से कुरान हदीस की सौगंध खिलवाई, कसम डाली। इस आसमानी किताब की कसम डालने के पीछे का जो कारण है वो दर हकीकत ये है कि संजय शुक्ला और विनय बाकलीवाल जी को इस बात का पूरा यकीन हो चला है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो गद्दार है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो धोखेबाज है, कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ा हुआ मुसलमान है वो कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोपेगा। और अपने इसी डर के चलते शहर कांग्रेस अध्यक्ष को और महापौर पद के प्रत्याशी को कांग्रेस से जुड़े हुए मुसलमानों को कुरान की कसम दिलाना पड़ रही है।
और अगर ये सच नहीं है तो विनय बाकलीवाल बताए कि जैन समाज के बीच में जाकर उन्होंने कभी अरिहंतम मंत्र का जाप करवाकर किसी जैन समाज के बंधु को कसम खिलवाई क्या, या संजय शुक्ला बनवाए कि किसी हिंदू समाज के व्यक्ति को जाकर उन्होंने गीता की, गंगा की, गायत्री की, गौ माता की या जय परशुराम की सौगंध दिलवाई या कसम दिलवाई का? नहीं दिलवाई है, क्योंकि विनय बाकलीवाल जी को जैन समाज पर भरोसा है, संजय शुक्ला जी को भरोसा है कि हिंदू समाज से जुड़ा हुआ जो कांग्रेसी है वो धोखा नहीं देगा। उन दोनों को यह पक्का यकीन है कि धोखेबाज अगर कोई है, गद्दार कोई है, पीठ पे छुरा कोई घोपेगा तो वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ मुसलमान घोपेगा। अब ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान कार्यकर्ताओं को विचार करना चाहिए और नेताओं को विचार करना चाहिए, शेख हलीम को विचार करना चाहिए, अन्नू पटेल, मम्मू पटेल को विचार करना चाहिए, ये अनवर कादरी को विचार करना चाहिए, मुसलमान जितने पार्षद कांग्रेस पार्टी में काम करते उनको विचार करना चाहिए। और विचार क्या करना चाहिए? गुर्रा के जवाब मांगना चाहिए कि कुरान की कसमें क्यों दिलवाई जा रही है, और वो भी केवल वोट के लिए। इसलिए खिलवाई जा रही है कि तुम सब कांग्रेस के जितने मुसलमान नेता हो सब गद्दार हो। और ये भाजपा नहीं कह रही है, तुम्हारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष कह रहा है और महापौर कह रहा है। अल्लाह हाफिज, अपनी पार्टी का यकीन जीतिएगा। जयराम जी की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।